मॉडर्न और टेक्नोलॉजी संबंधित जो चीज़ें हम आज अपने आसपास देख रहे हैं, विश्व के उन महान वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने इन चीज़ों की खोज की। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तब ही नई चीज़ों का आविष्कार होता है। मनुष्य की प्रकृति जिज्ञासा से भरी होती है जो उन्हें विभिन्न घटनाओं को समझने में प्रेरक का काम करते हैं, परंतु यह एक जोखिम भरा कार्य भी होता है। आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे आविष्कारों के नाम बताने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में तो अमर हो गए पर उनके खुद के आविष्कार ही उनके मौत के कारण बने। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सिल्वेस्टर एच रॉपर, 1832 से लेकर 1896 तक। अमेरिकन साइंटिस्ट सिल्वेस्टर हार्वर्ड रॉपर प्रारंभिक ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल में अग्रणी निर्माता थे। वर्ष 2002 में रॉपर को रॉपर स्टीम वेलोसिपेड की खोज के लिए मोटरसाइकिल हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया था। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि वे अपने आविष्कार रॉपर स्टीम वेलोसिपेड की शुरुआती गति परीक्षण के दौरान दुर्घटना घटने से उनकी मौत हो गई। फ्रेंच राइकल्ट 1879 से लेकर 1912। फ्रेंच राइकल्ट को फ्लाइंग टेलर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक कोट पैराशूट का आविष्कार किया था, लेकिन इस कोट पैराशूट के परीक्षण के लिए वह इतने उतावले थे कि उन्होंने आइफिल टावर से छलांग लगा दी, परंतु पैराशूट न खुलने की वजह से नज़दीकी बर्फ के मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और तुरंत ही उनकी मृत्यु हो गई। कार्ल सोसेक, कार्ल सोसेक ने एक विशेष रूप के कैप्सूल को डिज़ाइन किया था जो शॉक प्रूफ था। इसका परीक्षण करने के लिए 20 जनवरी 1985 को नायग्रा वाटरफॉल से नायग्रा नदी में लुढ़कने का कर्तव्य दिखाने के दौरान ये उस वक्त तो बच गए, लेकिन जब कैप्सूल से बाहर आए तो उनकी नाक से खून आ रहा था। मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान पता चला कि कर्तव्य के दौरान उनकी छाती और पेट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे और खोपड़ी की हड्डी भी टूट गई थी, और इसी वजह से अस्पताल में उनका निधन हो गया। अगर कहीं और ट्राई करते तो शायद जिंदगी बच भी जाती, पर उन्होंने नायग्रा वाटरफॉल में ट्राई किया। हॉरेंस लॉसन हेनरी, हेनरी ने दुनिया का पहला लड़ाकू पनडुब्बी बनाया था। दो असफल प्रयासों के बाद वह एक सबमरीन बनाने में सफल रहे, लेकिन परीक्षण के दौरान अपने 8 चालक दल के सदस्यों के साथ उनकी विकसित पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें से इनकी मृत्यु हो गई और समुद्र की गहराई में दफन हो गए। 8 नवंबर 1863 को दक्षिण कैरोलिना के कब्रिस्तान में पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ दफनाया गया, और उनके सम्मान में संयुक्त राज्य अमेरिका का उस दौर का सबसे फेमस सबमरीन H.L. हेनरी था, जो कि इनके नाम पर रखा गया था। हेनरी सोमलिस की 1933 से 1973। हेनरी ने सेशन 337 विमान के पंखों को एक कार में लगा दिया था। इसे फ्लाइंग कार के नाम से जाना जाता था। इस कार का नाम AVE मिराज रखा गया था। यह कार हेनरी कंपनी एडवांस व्हीकल द्वारा बनाई गई थी। वह अपने दोस्त हेल ब्लैक के साथ इसे एक परीक्षण उड़ान के लिए ले गए। एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हेनरी और हेल की विपत्ति ने AVE मिर्स को जेम्स बॉन्ड मूवी में प्रदर्शित करने के लिए दरवाजे बंद कर दिए। यह पहले तय किया गया था द मैन विद द गोल्डन गन में विरोधी फ्रांसिस्को और निक नैक एक ही फ्लाइंग कार से बच जाएंगे। बाद में दुर्घटना के कारण विचार को छोड़ दिया गया। कई मायने में अपने स्वयं के सपनों को जीने की कोशिश करते हुए मरने के बारे में एक अनोखा ख्याल है। इसमें से कई आविष्कारों की मौत व्यर्थ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए अपने शोध को उपयोग करने का मार्ग प्रदर्शित किया, अपने जीवन के काम को आगे बढ़ाया या वास्तव में दुनिया को बदल देते हैं। दोस्तों, आज आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे आविष्कारक जिनकी मृत्यु उन्हीं के आविष्कार से हुई। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। अब मैं आपको मिलता हूँ दूसरे वीडियो में।